साथ तो हमारे टीचरों की तनख्वाह, भवन का किराया और गाड़ियों का जो हमने लोन ले रखा है वो पूर्ति हो जाए। इसके बाद आप बायोमेट्रिक करा लेना, जो भी जांच कराना है वो फाइल वाइन सब बाद में हम जमा कर देंगे। तो अभी वो राशि हम लोगों को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदान की जाए, ये हमारा निवेदन, ये हमारा ज्ञापन। कल थोड़ा ज्ञापन लेके क्या मांग है आपकी, क्या समस्या है बताएं थोड़ा सा। हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि प्राइवेट स्कूलों की 2 वर्ष से आरटीई के तहत जो फीस प्रतिपूर्ति होती है, जो निःशुल्क बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं गरीबों के, उनकी राशि 2 साल से हम लोगों को नहीं मिली। तो हम ये चाहते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट है, छोटे स्कूलों के बंद होने की कगार पर हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उनको ये राशि जल्द से जल्द दी जाए। 18-19 की 70% राशि बकाया है और 19-20 की 100% राशि बकाया है। अभी आधार केंद्र नहीं है, बच्चों को आप स्कूल बुला नहीं सकते, इसलिए उनका पेमेंट अटका हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि वो राशि जीवित स्कूल वालों को दे दी जाए, जिससे वो अपने भवन का किराया, टीचरों की तनख्वाह, जो अन्य कर्मचारी हैं उनके पेमेंट, उनका भुगतान करके और हम सुचारू रूप से अपना स्कूल चला सकते हैं। पर आगे भविष्य में अभी ये भी उम्मीद नहीं कब तक इन बच्चों के स्कूल खोले जाएंगे। हम नहीं चाहते कि स्कूल खोले जाएं या बच्चों को बुलाया जाए, लेकिन स्कूलों को संचालित करने के लिए अभी जो आर्थिक संकट स्कूलों के ऊपर है, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए जल्द से जल्द ये राशि का भुगतान किया जाए।